बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है हमेशा ही हमें, और आई थिंक ये बर्थडे मेरा और भी ज़्यादा स्पेशल हुआ है। इतने केक्स मैंने अभी तक नहीं काटे थे जितने मैंने इस एक हफ्ते में काटे हैं, और इतने गिफ्ट्स और इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुबारक महीने पे हो रहा है, रमजान का टाइम है और हमने शाबान भी शुरू की थी, रमजान का आ गया और बहुत मुबारक टाइम पे शुरू हुआ था। 18th मई को ही हमारा पहला टेलीकास्ट था, दैट वाज सो दिस डे विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय अस, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन हमने पार्टी की थी, हमने ब्रिंग इन किया था ऋषिकेश, और उसी दिन हमारा पहला टेलीकास्ट था, और हर साल हम इस दिन को मनाते हैं और ऐसे ही आगे मनाते रहेंगे। और यही मैं कहूँगा कि 3 साल जो है इसमें अभी शुरुआत है, होपफुली सबकी मेहनत के साथ, टीम वर्क एंड डेडिकेशन एंड ह्यूमिलिटी के साथ बहुत कुछ और करना है। कंग्रेचुलेशन फॉर 3 इयर्स। One of my most favorite and actually it's my best birthday ever. I won't lie about it, it's my far one of my best birthdays ever. Ran sir, thank you so much for making it so special, sir. And this is what family looks like. I couldn't be more happy. Thank you sir, your blessings and everything, sir. Thank you. बहुत ही अच्छा लगा था हमें, बहुत बड़ा अवार्ड है ऑब्वियसली, तो नाम ही इतना बड़ा है हमें, और हमें पहली बार ये अवार्ड मिला था, सो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा था। हम तीनों वहाँ पे गए थे, टीम को रिप्रेजेंट करने गए थे अपने वहाँ पे, और तीन अवार्ड्स भी लिया, अच्छा लगा। तीनों को अवार्ड मिला, आई गॉट फॉर बेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब सारी टीम और सबकी यूनिट के बिहाफ मैं गया स्टेज पे, एंड आई गॉट बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस, तो अच्छा लगा। एंड तो अच्छा महीना, जैसे मुझे बोला बहुत एक मुबारक और बहुत अच्छा महीना है, एंड एक शुरुआत अच्छी चीज़ है, आगे हम ऐसे ही अवार्ड जीतते रहे, ऐसे ही और दादा साहब फालके मिलते रहे इंशाल्लाह। मैं एक और शेख साहब के बारे में कहना चाहूँगा, ये हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं, पेरेंट्स एंड ऑल, दे ऑल नो ईच अदर सिंस वेरी लॉन्ग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फाइनली माशाल्लाह हम सातवें बर्थडे मना रहे हैं पहली बार, इंशाल्लाह ऐसे ही हम बर्थडे मनाते हैं, रिश्ते और मैं समझ गया था है तो बहुत अच्छे कर, ये मुझे कभी तंग तो नहीं करेंगे, या ये तंग करेंगे या कब करेंगे, ये सोचा था सबसे पहले। बट जब काम करना शुरू करा, बिकॉज यू डोंट नो टिल यू डोंट वर्क, एंड आई थिंक फर्स्ट डे ही जब काम करना शुरू किया हम लोगों ने ऋषिकेश का, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता, जो पहले शॉट दोनों के देखे, उसके दिन पहले हमने रिहर्सल करी थी इनके, राफ्टिंग की और रिवर में जाकर, वक्त वहीं से समझ आ गया था ये लोग पैशनेट है, और मुझे लगा था कि ये जो इनकी डेडिकेशन थी और जो पैशन था काम की तरफ, वो जब तक रहेगा आई नो दैट दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो वो दिख गया था मुझे, एंड वही एक डेडिकेशन, मैं हमेशा कहता हूँ ह्यूमिलिटी रहेगा, एंड जो फेथ रखा फर्स्ट डे उन्होंने आज तक उसको बरकरार रखा है, वो बहुत मिलने जरूरी है। थोड़े मेरे नाइट प्रेयर्स ज़्यादा हो रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा माहिम जाके प्रे कर पाऊँ, कल भी वहीं से मैं डायरेक्टली इनके बर्थडे पर आया था, और इंशाल्लाह बस ऐसी दुआ है हमारे शो के लिए, हम सब के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए, this month may greets everyone. Thank you for your wishes, everybody. We'll give them a grand goodbye. Kirti और नक्श के बच्चे के साथ एक्चुअली नायरा खेल रही होती है, वो उन्हें खिला रही होती है, और कार्तिक वहाँ आ जाते हैं, उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है, और वो आते हैं, और he's planned a small surprise for her, कि वो आगे जो आने वाला है कि वो ड्राइवर के कपड़े में नायरा को घुमाने वाले, कार्तिक और नायरा का बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है, इससे पहले हुआ एक रात पहले जो चोर बाजार में मीर कपूर पे इल्ज़ाम लगाया, और नायरा काफ़ी बुरा मान गए थे, मीर कपूर काफ़ी बुरा मान गए थे उस बात पर, घर पर आकर सारी चीज़ें सॉल्व हुई है, और उसके बाद ये एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट है, ही डज फील ऑकवर्ड मिहिर अराउंड, पर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा जब उन्हें पता चला कि मिहिर की भी कोई गर्लफ्रेंड है और वो काफ़ी सीरियस है, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं देख के, और चाचू भी उनसे कहते हैं चलो ठीक है उसकी गर्लफ्रेंड है, चलो एवरीथिंग